हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ITBP की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है, ITBP की। अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। एग्ज़ाम सिलेबस में क्या रहेगा? एग्ज़ाम सिलेबस में रहेगा मैथ, हिंदी, GK और रीजनिंग, ठीक है। चार पार्ट में होगा। जो HCM का होगा उसमें इंग्लिश रहेगी, ठीक है। जो SCM का होगा उसमें इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, जो कि 3 शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम चलेगा आपका 2 दिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का अभी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। वैसे HCM में, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर में, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हेड कॉन्स्टेबल में है, ट्रेडमैन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब जो मेन बात है वो क्या है? एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, मैं आपको बता दूँ। एग्ज़ाम जो डेट है वह है 14 और 15 अगस्त। 14 और 15 अगस्त आपकी आपके पेपर चलेंगे, जो कि 3 शिफ्टों में होंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 शिफ्टों में होंगे, जिससे कि 2 दिन चलेगा। बात आती है एग्ज़ाम डेट है किसकी। ये एग्ज़ाम डेट है टेलीकॉम की, ठीक है। टेलीकॉम का पेपर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसका 14 और 15 अगस्त है। अभी फिक्स नहीं किया गया, ये निकल के आ रही है, ठीक है। ऐसा सूत्रों के से पता चला है कि टेलीकॉम की डेट आ चुकी है, ठीक है। वो आप सोच लो कि कहाँ से चला होगा पता, ठीक है। हाँ, 14 और 15 अगस्त को, ठीक है, आपका डेट होगा टेलीकॉम का। बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न होगा 10th क्लास लेवल, ठीक है। ये होगा 10th क्लास लेवल का, ठीक है। मैथ भी इसमें बहुत खास नहीं आता, और रीजनिंग, GK, इंग्लिश और या हिंदी रहती है, ठीक है। इसमें अभी बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहने वाला है इसमें। देखिए, आपको कंपटीशन तो इसमें सही देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप ही हो जो सिलेक्शन लोगे इसमें, ठीक है डियर। चलो ठीक है, आज के लिए जानकारी इतनी थी। आप अब जो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपको डेट की जानकारी हमने दे दी है, ठीक है। बस अभी थोड़े ही दिन बचे आपके पास। आप सिलेबस को अगर कराए कवर तो अभी प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। अगर सिलेबस ही नहीं कवर किया तो पहले फटाफट से आप अपना सिलेबस कवर कर ले, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है डियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।